बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुकी है, तो हैप्पी नवरात्रा टू ऑल यूट्यूब फैमिली। चलिए तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने मेसो से ली है कुछ साड़ियाँ दुर्गा पूजा की सप्तमी अष्टमी नवमी के स्पेशल, और करवा चौथ भी आने वाली है, दीपावली भी आने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो मैंने जो शॉपिंग किया वो आप लोगों को दिखाऊं। तो मेसो से मैंने क्या क्या आज परचेस किया वो मैं आप लोगों को परचेस की है। यहाँ पे दो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी, एक ब्लाउज और ये एक चूड़ा। ये जो चूड़ा है मुझे एक पैकेट में रिसीव हुई थी, तो मैंने वो पैकेट ओपन कर दिया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी सारी आज की प्रोडक्ट्स कैसी आई हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी आज की जो पहली साड़ी है मैं वो आपको दिखाती हूँ। मेरी आज की जो ये पहली वाली साड़ी है, ये दिस वन, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। आपने इसे देखा होगा इंस्टा रील पे भी, बहुत लोगों ने इसे वियर किया है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे इंस्टा रील में आजकल ये साड़ी काफ़ी ट्रेंड में है। तो इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। तो आप इसका जो कोड है मैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाके अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आती तो आप दूसरे कलर भी बाय कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेसो से शॉपिंग नहीं की है तो फटाफट से मेसो से जाइए, डाउनलोड कीजिए मेसो को और वहाँ से शॉपिंग कीजिए। क्योंकि मेसो जो है इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है, यहाँ से आप सामान परचेस भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो मैं पहले इसकी फैब्रिक की बात कर लेती हूँ। इसकी जो फैब्रिक है वो क्रेपी कपड़े में, बहुत ही सॉफ्ट कपड़े में है। तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको कि ये कैसी आई है साड़ी। तो आप तो देख ही रहे होंगे कि ये कलर मुझे बहुत पसंद आई, ये मेरी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो मैं दिखाती हूँ उसको, और इसकी जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल प्राइस में है। तो ये मुझे पड़ी है आई थिंक से 570 की। तो मैं ये दिखाती हूँ कि ये साड़ी मुझे कैसी रिसीव हुई है। तो ये कुछ साड़ी इस तरह की है, देखिए कितना लाइट वेटेड है ये साड़ी, बहुत ही हल्की पतली सी साड़ी। आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी और कितनी पतली सी साड़ी है ये। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मुझे मिल जाता है कुछ इस तरह का बॉर्डर, और इसमें इस तरह का गोटा पट्टी लगा हुआ है। आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ गोटा पट्टी इस तरह की लगी हुई, और इसके जो बीच बीच में कुछ इस तरह का आपको इस तरह का वर्क किया हुआ। तो आपको मैं फ्रंट से दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह का वर्क किया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत सा वर्क है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वर्क जो है इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये ज़्यादा वर्क नहीं है, आपको पूरे बॉडी में नहीं मिलेगा, बस बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको मिल जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये। और यहाँ पर आपको मिलता है ये पल्ले में कुछ इस तरह का, ये आपको मिल जाता है पूरे बॉडी में इस तरह का, बीच बीच में इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स दिए गए हैं, ये इस तरह का लगा हुआ है। और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है पूरे बॉर्डर पे ये इस तरह का डिज़ाइन मिलता है। तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग की गई है। तो आपको मैं बैक पे भी दिखाती हूँ, तो देखिए ये फिनिशिंग इसकी कितनी अच्छी है, यहाँ पे स्टिच की गई है तो ये निकलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, बहुत अच्छे से इसको स्टिच किया गया है इस डिज़ाइन को। और यहाँ पे आपको ये है इसका पल्ला पोर्शन, तो पल्ले पे भी आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का, ये लेस बॉर्डर आपको मिल जाता है चारों साइड से। और यहाँ पे मिलता है आपको इस तरह का कुछ डिज़ाइन, आपको कॉर्नर पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिल जाता है। तो ये साड़ी के मैं कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। आप देख ही सकते होगे कि ये कितनी लाइट वेटेड है, कितनी हल्की साड़ी है। तो जिन लोगों को साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए ये बेटर ऑप्शन है कि आप इस तरह की साड़ी एक बार ट्राई करें, क्योंकि बहुत लाइट वेटेड है तो कैरी करने में आसान होगा। और ये जो है आप पंचमी से लेकर के सप्तमी तक आप एकदम इसको बहुत अच्छे से पहन सकते हो, क्योंकि इसकी जो लुक है बहुत अच्छी लगेगी, डिफरेंट लगेगी। आप इसे किसी भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो ब्लाउज के साथ, तो बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ जो ब्लाउज की पीस आई है, कुछ वो इस तरह की ब्लाउज की पीस है। तो आप देख सकते हो इसका कलर जो है कुछ इस तरह का मिलता है आपको लाइट कलर में, ये एक्चुअली डार्क कलर में है, तो इसके साथ आपको मिल जाता है लाइट कलर का शेड में। और इस तरह का बॉर्डर आपको यहाँ पे भी मिलता है, तो इसमें भी गोटा पट्टी इस तरह की लगी हुई है। तो अगर आप स्टिच करवाना चाहते हो तो इसे भी स्टिच करवा सकते हो, अदरवाइज आप इसके साथ कोई भी मिक्स एंड मैच करके कोई भी लाइट कलर के ब्लाउज के साथ या मरून कलर के ब्लाउज के साथ भी पहनो तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की साड़ी काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी लाइट वेटेड है, तो बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही खूबसूरत लुक देती है ये साड़ी। तो मैं कहूंगी, हाईली रिकमेंड करूंगी इस तरह की साड़ी जिन लोगों को
साड़ी पहनने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रेगुलर चाहते हैं कि यार लाइट वेटेड साड़ी हो कि मैं फेस्टिव में आराम से पहन सकूं, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप इस तरह की साड़ी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इस तरह की साड़ी पहन सकते हो। अब मैं आपको दूसरी जो मैंने ली है वो मैंने एक ब्लाउज लिया है, तो आप देख सकते हो ये ब्लाउज मैंने मेसो से ही लिया है, तो अब बहुत ही खूबसूरत सी ये ब्लाउज है, ये मुझे पड़ी थी 449 की, तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा ये पीस है। मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ, देखिए ये बैक में कुछ इस तरह का मिल जाता है आपको, इसके नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है और यहाँ पे आपको मिल जाता है इस तरह का ये डोरी मिलता है, यहाँ पे आप इसे लगा सकते हो और फ्रंट पे आपको इस तरह का डिज़ाइन मिलता है, तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन मिल जाता है और इसमें कप लगे हुए हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छी पैडेड ब्लाउज है, और ये आपको मिल जाता है फ्रंट से इस तरह का जिप है, तो ये आपके ब्लाउज को बहुत ही ज़्यादा लुक स्मार्ट लुक देता है, और कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको फ्रंट पर आता है, तो आप देख सकते हो कि फ्रंट पर आपको कुछ इस शेप में आता है, तो यहाँ पे इस तरह का शेप आपको मिल जाता है इस ब्लाउज में, तो बहुत ही खूबसूरत सी ये ब्लाउज की पीस, और डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हो, तो इसका भी मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे आपको देखिए मिल सकता है, यहाँ पे इसमें जो है पूरा वर्क किया गया है, तो देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर वर्क है, तो ये आप किसी भी पिंक कलर के साड़ी के साथ, ग्रीन कलर के साड़ी के साथ आप इसे मिक्स एंड मैच करके पहनोगे ना, तो ये ब्लाउज बहुत खूबसूरत लगेगा, तो मैंने ये येलो कलर का ब्लाउज पीस ब्लाउज लिया है, तो मुझे ये कलर पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो मेरे पास ग्रीन कलर की एक साड़ी है उसके साथ इसे मिक्स करके मैं मैच करके पहनूंगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो मेसो से ली है चूड़ा, वो चूड़ा का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी बहुत दिनों से, तो मैं कर नहीं पा रही थी, तो ये है कुछ इस तरह का चूड़ा आपको मिलता है, इसकी पैकेट बहुत अच्छे से होके आई थी बट मैंने इसकी पैकेट को खोल दिया, तो आप देख सकते हो ये चूड़ा कितनी खूबसूरत चूड़ा है, तो कुछ ये चूड़ा मिलता है आपको इस तरह का, मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ, तो ये मिलता है आपको इस तरह के सेट में, ये एक है एक कड़ा मिल जाता है यहाँ पे, और ये तीन तीन का सिंगल पीस में आता है आपको, और एक मिलता है इस तरह का रेड कलर का आपको चूड़ा यहाँ पे, और ये जो है आपको इसमें मिलता है ये तीन फिर से सेट, फिर ये वन हैंड का सेट है, ये भी बहुत खूबसूरत सी पीस है, ये भी आपको अंडर 500 पड़ेगा ये चूड़ा, तो इस करवा चौथ के लिए इस तरह के जो चूड़ा है ना बहुत अच्छे ऑप्शंस में है, बहुत प्यारी लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी, आप एक बार जरूर ट्राई करें, मेसो में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चूड़ा भी मिल जाते हैं, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई ये चूड़ा, तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत सी ये चूड़ा है, तो इसका भी लिंक मैं आपको जरूर मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी एक और जो मैंने साड़ी ली है वो, तो ये वाली साड़ी, रेड वाली साड़ी, तो ये देखिए आप, मैंने ये अष्टमी के लिए लिया है, मैं अष्टमी को अंजलि देती हूँ दुर्गा पूजा में, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये साड़ी मैं दिखाऊं, तो मैंने सोचा कि इसके साथ ही मैं वो येलो वाला ब्लाउज को स्टाइल करके पहनूं थोड़ा, तो देखिए ये साड़ी कितनी खूबसूरत सी साड़ी है आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला, ये बहुत ही अच्छी साड़ी है, तो इस तरह का आपको इसमें मिल जाता है बूटा बूटा, तो और ये मिल जाता है कुछ इस तरह का, मैं पूरा ओपन करके आपको दिखाती हूँ फिर पता लगेगा कि ये साड़ी कितनी खूबसूरत है। तो मैंने आज जो है ना ये लाइट वेटेड साड़ियाँ ही ली हैं, क्योंकि लाइट वेटेड साड़ियाँ ना कैरी करने में बहुत ईजी होता है, तो मैं इस तरह की साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ, लाइट वेटेड साड़ियाँ ना हर कोई पहन सकता है, चाहे वो मीडियम एज की क्यों ना हो या जो भी है ना सभी पहन सकते हैं। तो ये है इसका ब्लाउज का पीस, तो मैं पहले ब्लाउज का पीस ही आपको दिखाती हूँ, तो देखिए कुछ आपको ब्लाउज का पीस इस तरह का मिलता है, तो जैसा आपको साड़ी है बिल्कुल वैसा ही ब्लाउज का पीस मिलता है, तो मैं इसे अभी तो स्टिच नहीं करवाया, आपको लेस बॉर्डर में मिलता है, यहाँ पे पूरा वर्क है, ये जड़ी वर्क में है, बहुत ही खूबसूरत से इसकी फिनिशिंग है, इसकी बॉर्डर बहुत खूबसूरत लग रही है, और पूरे बॉडी में इस तरह का बूटा बूटा काम किया गया है, तो बहुत ही यूनिक लगता है ये साड़ी। और साड़ी की जो कपड़े की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी क्रेपी कपड़े में ही है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट वेटेड है, और इसकी जो पाड़ है ना, ये पाड़ मुझे बहुत पसंद आई, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा इसका पाड़ है, ये देखिए पूरे बहुत इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है ना, ये बैक साइड से भी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग हो रखी है, तो आपको जो पायल बिछिया में फंसने के चांसेस है ना वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये इस तरह की साड़ी है, तो साड़ी की क्वालिटी बहुत खूबसूरत है आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये भी आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, ये भी आपको आई थिंक से मुझे 1000 के अराउंड मिला था,
तो मैं इसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये साड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका बॉर्डर मिल जाता है कुछ इस तरह का। ये आपको पल्ला पोर्शन है, तो ये ऑल ओवर बॉडी में पूरा सेम है, एज इट इज है, इसमें कोई अलग तरह का कुछ नहीं है कि नहीं ये इधर से इस तरह का दिख रहा है या उधर से उस तरह का, तो पूरे बॉडी में इसी तरह का काम किया मिलेगा आपको। और पार्ट में बताया और पूरा इसमें वर्क किया हुआ रहता है, बोथ साइड से आपको ये बैक साइड से कुछ इस तरह का आपको पेन में किया हुआ है। तो ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, आप इस तरह की साड़ी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी लगेगी। यही थी मेरी आज की दुर्गा पूजा की शॉपिंग, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को एंड तक वॉच प्लीज़ कर दिया करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।